तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? आप सबको ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। तो आज बकरा ईद है और मैंने कुर्ता ब्लैक पहना था, तो उन लोग नमाज़ पढ़ के आ गए इसलिए मैंने कुर्ता चेंज कर दिया। और नमाज़ पढ़ के सबसे पहले मैंने एक काम किया, मैं बकरे के नंबर लगाने गया, क्योंकि इधर ऐसा है नंबर का सिस्टम है। तो अपना छठा नंबर है 6, तो अभी नंबर आने थोड़ा टाइम है, तो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं। और वैसे मैंने फुल वाइट पहना हूँ, तो फुल वाइट पूरा रेड होने वाला है अभी थोड़ा ही टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अभी चलते हैं, भाई लोग खड़े हुए, डैडी भाई और शाहरुख भाई सब लोग खड़े हुए, तो मेरे को भी जाने का है। मैं बोला कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ मैं। तो फाइनली अपना बकरा अभी कट गया है, और अपनी हालत देखो, एकदम हालत बेकार हो गई है, क्योंकि बकरा कटते हुए मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ये वजह से। और एक बकरा कट गया और एक नहीं कटा, क्योंकि एक साथ दो नहीं ले रहे थे उन लोग, तो थोड़े झगड़े भी हो गए अपने उधर, मचमच हो गई थोड़ी सी डैडी की मेरे। तो बाकी हो गया सब सही, क्योंकि उनने बोले थोड़ा रुक जाओ ना, तो और भी लोग हैं। फिर उन लोग भी किरकिरी कर रही हैं, मतलब चिड़चिड़ कर रही हैं, क्योंकि सबके लाइन लाइन तो आ रहे, लेकिन उन लोग बोले उन लोग टाइम से पहले आ गए थे, तो ये वजह से। लेकिन उनने थोड़ा फिर परेशान वाले ये वजह से उन लोग रुक गए। तो अभी देखते हैं, एक और एक बकरा बस बाकी है अपना, फिर देखता हूँ, अगर वो दिखाने मिला तो दिखाऊँगा, नहीं तो फिर नहीं दिखाऊँगा, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। बाकी देखते क्या है आगे। तो अभी अपना बकरा कट चुका है, माशाल्लाह सब अच्छे से हो गया, और अभी बस बोटी मारने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं फिर क्या। अभी अपना बकरा हो गया और ये रहा, तो अभी बस अपने बोटी के नंबर लगाए, डैडी भाई ने नंबर लगा के रखे, और अभी मैं बस संभाल के बैठा हूँ। हालत तो ख़राब है, पूरी हालत ख़राब होती है, और अभी सबका लाइन लाइन से हो रहा है। तो अभी अपन आ गए बाहर थैली लेने, गोश्त पैक करने के लिए, और ये थैली ले ले लिए। कितने की बोल रहे हैं? बड़ी कितनी? दो। तो अभी पैकिंग की थैली लेने का अपन को, गोश्त पैकिंग की, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और अभी भी अपना एक बकरे की बोटी नहीं हुई है, मतलब कटिंग नहीं हुई है बराबर, तो इसलिए हम लोग आधे में से इसी बाहर आ गया हूँ मैं पूरा। पुलिस देखेंगी ना मेरे को मारेंगी, इसलिए छुप छुपा के अपन आ गए बाहर। और वैसे सब सन्नाटा है, कोई है भी नहीं है इधर, तो चलो मिलते हैं फिर वहीं चल के। फाइनली अभी अपन घर आ गए, और अभी एक बकरे की कटिंग चालू है। तो अभी मैं सारे आके जो बड़ी बड़ी बूटी है उसकी कटिंग कर रहा हूँ, तो अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। मेहनत के साथ जा रही है, ऐसी मशीन होना। तो फाइनली गाइस अपन हो गए रेडी, सब काम हो गया है अपना, और मेरा कुर्ता थोड़ा सा भीग गया है, क्योंकि मैं सामान लाने बाहर गया था ये वजह से। और अभी अम्मी ने गोश्त वोश सब पैक कर दिए, तो अभी जिस जिस को देना है, रिश्तेदार लोग को और दोस्त लोग को, तो अभी चलते हैं और देते हैं उन लोग को। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं से जाऊँ, ऑटो से जाऊँ या बाइक से जाऊँ। ऑटो से जाऊँगा तो इतनी जगह घूमने में लुट जाऊँगा मैं, बर्बाद हो जाऊँगा, तो ये वजह से बाइक से जाएंगे अपन, भीग जाएंगे या फिर रेनकोट पहन लेंगे। तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो अभी अपन निकल गए घर से बाहर जाने के लिए, और क्या हो रहा है, ईद मुबारक ऐसे। तो अभी सब हो गया, और बारिश भी थोड़ी स्लो हो गई है, ये देखो बाहर का मंजर। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी, बारिश होने से पहले अपन को पहुँचने का है सब जगह पे, तो देखते हैं क्या है। तो अभी अपन आ गए घर पे, सब जगह पे रोज पाट के सब हो गया, और मैं बहुत ज़्यादा भीग गया था, और मेरे को बहुत ज़्यादा अभी नींद आ रही है। अम्मी लोग सब सो गए, सब लोग, बस मैं बचा हुआ, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी और मैं भी पूरा भीग गया। तो मैं वीडियो बनाऊँ या गोश्त दूँ या फिर अपने आप को संभाल लूँ, तो वो चीज़ हो गई थी। और गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो गया, बहुत चीज़ हो गई थी बीच में, मैं नहीं दिखा पाया ये वजह से बस, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और मेरे को पूरा दो दिन होने आ गया सोए नहीं हम लोग, चांद रात की सुबह दिन, सुबह रात और फिर सुबह और फिर अभी रात हो गई, मतलब रात 8 बज रहे अभी, और सब सो गए लोग। तो बस मेरे को भी अभी बहुत नींद आ रही है,
तो मैं आया सबसे पहले गर्म पानी से थोड़ा नहाया हूँ मैं, तो अभी देखते हैं क्या है, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।